एक तादाद है सलाम ही नहीं कर रही। और क्या हाल है, और सुनाओ जी, आज हाँ जी ठीक है, चंगे हो, बस तरह हमारी तरकीब होती है मुलाकात की। तो ये तरीका नहीं ठीक, इस्लामी तरीका अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो ये 30 नेकियां मिलेंगी, अस्सलामु अलैकुम कह दें तब भी ठीक है, 10 नेकियां मिलेंगी। अब बाद मन चले मजाक में कहते हैं आपके बच्चे हमारे गुलाम और या पत्ते जन्नत तो हलाल हो दोज़ख़ हराम हो, क्या क्या अपनी बोली बोल रहे हो, तो इसकी तौबा ये नहीं बोलना है, ना ये सुन्नत है, बल्कि दोज़ख़ हो जन्नत हो ना, ये सब मतलब अरबी जुमले भी नहीं है, सुन्नत के जुमले भी नहीं है। सुन्नत वबरकात तो हूँ तक अदा हो जाएगी। आपके बच्चे मेरे गुलाम, ये तो 100% शरारत है, ये तो सलाम का है, इसमें ऐड करना तौबा। तो कहीं मजहबी माहौल में ये अल्लाह हाफिज़ यूँ बोलते हैं, तो ये भले बोले, मैं इनको पहले ये बोले कि ये बोले अस्सलामु अलैकुम अल्लाह हाफिज़, सलाम पहले करें, कि सलाम आते हुए भी सुन्नत है और जाते हुए भी, कम नहीं है बारिश में लिखा है, ये भी सुन्नत है, ये जाते हुए सलाम करें। अब दुआ अल्लाह हाफिज़ खुदा हाफिज़, तो ये भले सलाम के बाद करें, हमारा ये होता है अस्सलामु अलैकुम, अगर कहते हुए वापसी में खुदा हाफिज़, अच्छा मैं चलता हूँ, बाय बाय, फी अमानिल्लाह। तो बाय बाय तो जहाँ से निकली है ना, जिस कौम के पास उनको वापस दे दो, हम मुसलमान हैं, है ना, टाटा भी इन्हीं को सौंपा, समझे। हम फी अमानिल्लाह कहते हैं, अच्छी बात है, दुआ है, लेकिन वालेकुमुस्सलाम की सुन्नत अदा करके हम फिर फी अमानिल्लाह कहें, तरतीब ये है इसकी, अगर कहना है तो सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।